ग्वालियर ब्राह्मणों पर टिप्पणी कर विवादों में आने के बाद भाजपा से निष्कासित नेता प्रीतम लोधी ने अब सामाजिक मंच से हुंकार भरी है। प्रीतम लोधी ने बुधवार को ग्वालियर में ओबीसी महासभा के बैनर तले मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा ब्राह्मणों का आदर किया है और करता रहूंगा। प्रीतम लोधी ने कथावाचक बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि कथावाचक बागेश्वर मेरे सामने आएगा तो उसका पैजामा गीला हो जाएगा। ग्वालियर में ओबीसी महासभा में शामिल होते ही प्रीतम लोधी ने बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को खुद के सामने आने की चुनौती देते हुए कहा है कि मेरी ठठरी निकालने की बात कहने वाला कथावाचक अगर मेरे सामने आ जाए तो उसका पैजामा गीला हो जाएगा। उन्होंने पुराने मामले पर सफाई देते हुए खुद को बच्चा भी बता डाला है। लोधी ने यह भी कहा कि मैं तो अनपढ़ हूँ, अगर मेरे मुंह से कुछ गलत बातें निकल गई थी उनके लिए मैंने सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगी थी, लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने मुझे निष्कासित कर दिया। अगर कोई बच्चा गलती कर आता है तो उसको माफ कर दिया जाता है, लेकिन मुझे माफ करने की बजाय पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। मुझ पर कई मामले भी दर्ज करवा दिए गए हैं। हिंदू महासभा की प्रीतम लोधी को जिला बदर की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि अगर मुझे जिला बदर करेंगे तो 6 महीने के लिए करेंगे, लेकिन मैं फिर वापस आ जाऊंगा, वो मुझे पाकिस्तान तो नहीं भेज सकते हैं। प्रीतम लोधी ने कहा है कि अब ओबीसी एससी एसटी समाज को एकजुट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं अब किसी राजनीतिक मंच पर नहीं जाऊंगा, बल्कि निचले और गरीब तबके को एकजुट कर उनकी लड़ाई लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि मुझ पर ब्राह्मण समाज ने नहीं, राजनीतिक पार्टियों ने FIR कराई है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। कहा कि मैंने कुछ तथाकथित लोगों के लिए कह दिया तो मुझ पर FIR दर्ज करवाई गई, लेकिन कथावाचक बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच से मुझे कुचलने की बात कही तो आपने समाज को उकसाया, तो उन पर FIR क्यों नहीं हुई? इस प्रदेश में अब तो कानून चल रहे हैं जिसे चलने नहीं दिया जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री के लिए शब्द कहा कि आमना सामना होगा तो बहुत कुछ बदलेगा, क्या क्या रहेगा? एक तो उसके चेहरे का रंग बदलेगा और दूसरा उसका पजामा बदलेगा। पूरी महिलाओं की आवाज निकलती है उसके मुंह से, तो आधा जनाना तो कैसे ही हो गया। वो बताइए, ऐसे जनाने अगर मर्दों को मारने की बात करने लगे तो ये लोग कहाँ रह गए हमारे? बिल्कुल, वो भी इंसान है, जब हम उनको पूछ सकते हैं तो हम उनको भी पूछ सकते हैं। वो भी इंसान है, भगवान के यहाँ से आए हैं, वो भी किसी फैक्ट्री के बने हुए नहीं है वो।